जी ढोल कुमार उधर मचा रहा है। भाई मक्कार तेरी शादी नहीं करूंगा फिर। का शादी नहीं करोगे? हाँ एक बार कर दो तुम्हारी समझा वो पूरा है वो शादी लाकर करवाए दो कुमार तेरा। ढोल कुमार हाँ इधर बैठ जाओ, यहाँ बहुत मामला खराब है। क्या यहाँ मामला खराब है? मामला खराब है उड़ा तो करवा चला मैं उड़ा तो करवाती हूँ ब्याह करवा लेते यार। उत्तम सिंह अपनी बेटी रेवा को लेकर के आओ और सीकरी मेरे बेटा ढोल कुमार की शादी कर जाओ। अरे चले ना जान राजा यार सरदारो अरे रुस्तम गढ़कोली राजा कहेगा तन में ललकी सीवा अरे सीमा दबा लई पेटी बजा भैया के कहे लई रुस्तम गाड़ा किया गया रुस्तमो देरा लगावे नाए अरे आड़ो कर रहो पले मंत्री से अपनी बिटिया कूड़ा रे बोला ए मंत्री के बच्चे ओए जा मेरी बेटी को लाओ रेवा को लेवा करके रेवा और क्या ठीक है अभी बुला के ला रहा हूँ। ओ बड़ी रेवा अरे क्या बात है भैया अरे ते तो उड़ गए परेवा अरे क्या क्या हो गया चंदे डोगरा हो बुलाए तो मेरे पिताजी आए मुझे बुलाने के लिए पापा अच्छा तेजूरी चलिए मैं चल रही हूँ आते चलिए। अरे मैंने कहा पिताजी को नमस्कार बुलाओ लाली पिताजी मोड़ी रेवा हाँ क्या बात है सर आज तेरी पीरी होगी क्या दे हथेली दे पूरी पीरी होगी तो आज अच्छा आज ते होगा कैसे होते ब्याह कैसे हो हाँ मैं ना जानते ब्याह जानते ना तो यूँ बताए तेरी बेटी तू कहाँ आ गई मैं हाँ ब्याह पार्टी से हो तो हट तेजूरी कहे चाको जाते हो ना ने पपोरो जाते हो हट पिताजी हाँ कहिए आज तेरी शादी होगी शादी मेरे साथ चले और क्या तुम्हारे संग चले और क्या चलो चलिए पिताजी चलो ए नगर के सरदार ए रुस्तम सिंह हाँ आ गए आ गए अपनी बेटी को ले आए और क्या एक नाई और पंडित बुलाओ और सीकरी बेटी यानी रेवा की अपने के मेरे ढोलकों के साथ में शादी ले जाओ यही होगा। ए नाई पंडित बोलो क्या बात है एक काम करो है? जाओ मेरी बेटी की शादी फिर दोनों को मेरे साथ में रचा दो शादी और क्या और ये आप ही करोगे नाई या पंडित का काम ये पंडित जी महाराज हैं यही पंडित जी महाराज हैं हमें पंडित जी काशी फार फार के आ रहे हैं हम अच्छा तो शादी कर दो शादी मोड़ा कहा है जी मोड़ा ऐसा है पंडित जी महाराज इसकी लड़की जो है रेवा उसको सामने लाके और तुम पंडित हो बेवा पढ़ना कभी जानते हो कि आज ही सीख रहे हो अरे हम घाटी पंडित है अच्छा हम पत्रा तोड़ने वाले कंधे लाए झंडू से झंडू से नहीं चंडू से लेकर के आए होंगे कहते हैं चंडू हम चंडू थे कोई झंडू थे कहते रहे की शादी पढ़ना जानते हैं तो चाहते तरी पढ़वा लो पे कहते रहे की वैसे जानते मुसलमान ही पढ़वा लो चाहे हिंदुमान ही पढ़वा लो अच्छा हाँ तो आज हम दोनों तरह की शादी पढ़वा के देखे तुम जानते हो कुछ क्या चलो लाओ लड़की को हाँ ए मोड़ी अरे क्या बात है पंडित जी आया आ गई बैठ जा बैठ गई हे पालती मार के बैठ जा अच्छा पालती मार के घोड़ा फसार के बैठ गई बाबा चौधरी जी मां पे ना बैठ जाते हैं ना बैठ जा तू हां सब तैयार हो बैठ जा हां ले बैठ गई बस और जी धरवा कुमा का स्वच्छ का जी कुमा का सुधर हो कलश हाँ कलश अच्छा
ओए सोहा जी पत्र लाओ भाई, ओ झंडू से पत्र लाए अभी मैं खुली ना पत्रा ए चंडू से कहते हैं चंडू ते पहले मो चाहिए दक्षिणा दक्षिणा हाँ दक्षिणा वही देंगे हम दक्षिणा चाहिए मो पहले देख मैं एक से और भैया तो खुलाई पत्रा भाई पंडित महाराज हाँ। अरे जितनी दक्षिणा तुम मांगोगे और मैं तुम्हारी अदा कर दूंगा, पर लड़के और लड़की की शादी करो जल्दी करो। क्या जल्दी? हाँ तो दक्षिणा तो पहले दे दो भैया, पत्रा पहले गुंजे पहले कितने आगे दक्षिणा ये 51 रुपया मोहर सिंह वर्मा जी नगला देवहंस से दे रहे हैं तुम्हें। चल तो 50 और लाओ 50 हाँ एक उसे को पूरे ले लेंगे। लो ये 50 रुपए अरविंद कुमार गुप्ता जी दे रहे हैं दयाल बाग वाले। अच्छा हाँ ठीक है लाओ खोले दे तब वाले और ले जाए 51 रुपए 51 हरीश बाबू से ले जा। चल 151 रुपए तेरे लिए हो गए। चलो कुमार पूरे 150 को है वो। ए मोरी हाँ कहा है रेवा रात बजी अच्छा अब कहा है ढोलक मारो टल्लू ऐसा है पहले तुम दूसरा विवाह कौन सा पढ़ना जानते हो? वो मुसलमान ही हाँ मुसलमान ही उसे पढ़ के सुना दे मुसलमान विवाह कैसे पढ़ना सिखाया तुमने। ओ लला मोरी हाँ ओ कह वो तेरे बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलना पड़ेगा? ये मुसलमान विवाह है दो तरीका ब्याह पड़ जाएगा। अच्छा पहले पढ़ूंगा हाँ। मुसलमानी उसके बाद में पढ़ूंगा हिंदुवानी। अच्छा पढ़ी हाँ लला हाँ मैं बोलूंगा जैसे ही बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा और लली हाँ ओ मोरी का है तुम तो बोलो पड़ेगा वैसे होगा बता नहीं हाँ बोलूंगी कई का कई घर की पेंदी गाजर की पेंदी गई पेंदी ने ताहत लगा ताहत काय में पेंदी पे। अच्छा हाँ कई घर की पेंदी कई गाजर की पेंदी गुल खेरे का फूल गुल खेरे का फूल लड़की लगाओ कबूल लड़की लड़का को कबूल चाहे खुर्रा हो कबूल चाहे भर्रा हो कबूल चाहे तिर्रा हो कबूल चाहे लगड़ा हो कबूल चाहे लूला हो कबूल चाहे फूला हो कबूल कबूल हाँ। और लड़के हाँ ऐसे ही तुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलवा कई घर की पेंदी गाजर की पेंदी गुलखेरे का फूल गुलखेरे का फूल अबे गुलखेरे का नहीं गुलखेरे का फूल। अच्छा गुलखेरे का फूल लड़की लड़का लड़का लगी कबूल कबूल चाहे खुर्री हो कबूल चाहे भर्री हो कबूल चाहे तिर्री हो कबूल चाहे लगड़ी हो कबूल चाहे लूली हो कबूल चाहे बेगर सावा लगी हो कबूल कबूल। अरे तुम क्यों हंस रहे हो आज तुम्हें मालूम है आज कल दहेज में कोई सामान ना मिल तू हाँ। तो लड़के वाले क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि हमको कुछ सामान नहीं मिला मोटरसाइकिल है स्कूटर हुआ है पंखा है कूपलर हुआ है ऐसा है। अब इस कथा को कर दे बंद। अच्छा हमने तो देखा कि आप क्या पढ़ना जानते हैं अब सुना हमारा हिंदुवानी विवाह हिंदुवानी हम तो हिंदू समाज के इंसान हैं और क्या लड़की हाँ तैयार हो या तैयार हूँ कुमक रहो। अच्छा हाथ बात डाल ले लो करीब पसार लेगी क्या सऊते लेके गोड़ पसार के बच्चे सऊदा रहा ले बैठ गई। ओम नमो वास्त माधुपमा जापे चढ़ाए दो स्वाहा ओम ओम पांच कंगड़म गरुआ धारम दस कमंडलम पांच कंगड़म गरुआ धारम दस कमंडलम घास पूरम नदी नालम गर्ग श्रम समंद्रम नम स्वाहा। देखो पंडित जी महाराज जी विवाह तुम संस्कृत में पढ़ रहे हो तो आजकल संस्कृत का प्रयोग कम है अच्छा। कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है इसे हिंदी में अनुवाद करके बताओ क्या खंड करके हाँ क्या हिंदी अच्छा। में इसका क्या सारांश है करके बताऊंगा। ओम ओम पांच कंगड़म ते चूतरा पोसले तो जोसलो लोटा में धोरे ओम स्वाहा पांच कंगड़म गड़ुआ धारम दस कमंडलम पांच कंगड़म गड़ुआ धारम दस कमंडलम घास पूड़ो नदी नालम गड़गे श्रम समंद्रम अगर लोटों की सूत भूल जाते है पांच कंगड़म ना मिले तो दस कंगड़ से चूतरा पोज लो तो जो हो गए कमंडल में धोले स्वाहा पांच कंगड़म गड़ुआ धारम दस कमंडलम घास पूड़म नदी नालम गड़ग श्रम समुद्रम अगर कहू बार बास बस जाते है टट्टी बैठ गए कहू लंबे पानी को हिलोड़ा ने नदी के किनारे पहुंच गए
नदी में वो पानी सूख गयो, नदी को पानी सूख गयो तो घास फूस खेच लो, घास फूस खेच के सूता मार लो तो यो सोलो के नदी नाला में धोले उड़ो पांच कंगलम गढ़ुआ धारम दस कमंडलम घास फूले नदी लालम कर ये श्रम लोंदरम और कहू बार बार बस जाते हैं हाथ धोए लंबे बैठ गए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बैठ गए तो समुद्र में पानी सूख गए हो, समुद्र में कोई हिलो ना ले तो भैया रेत को कर लो कट्टो कर लो, रेत को कर लो कट्टो करके बापे जो रेड़ा मार लो तो यो समझ लो के समुद्र में धोले लली एक करैया दो कन्ना, एक करैया दो कन्ना जी मत जाए तई मोह करना ऐसा करो बेटा आप खबर पहुंचा दो, खबर पहुंचा दो क्या करना है, क्या करना है ए मंत्री बच्चे बोलिए क्या होता है, शीघ्र ही जाइए और राजा दुर्बल से कह दो कि पहली शादी संकल दिन में ढोल कुमार की राजा रुस्तम सिंह की बेटी के साथ की है, अपनी बेटी के सपने को ला करके और बताओ यानी जल्दी शादी कराओ, ठीक है यार एक काम कर दो कि कह देना दुर्बल से वो तुम्हारी कौन सी शर्त है, राजा का बरात लेकर के आया है तुम्हारी शर्त को पूरी करेगा और शर्त पूरी करके तुम्हारे और बेटी के साथ में अपने भतीजे कृष्णराज की शादी करेगा, ठीक है मैं जा रहा हूं कह दो राजा दुर्भास से। और नामंत्री ने देर लगाई प्लेवा के बीच पहुंचो कचहरी में, मेरे को बालक नमस्कार महाराज, कैसे आना हुआ तुम्हारा, आना ऐसे हुआ के रायलाल की बरात आई थी तो उसमें दो वरने थे, एक ढोलकर था एक किशनलाल, दो कर की शादी हो चुकी है राजा रुस्तम सिंह की लड़की से रेवा से, और अब अपना करो कि अपनी लड़की को भेजो कैसे नहीं को, अभी शादी नहीं होगी, अभी इसमें शादी क्या शरद द्वारी, शरद कौन सी द्वारी, ऐसा है पहली तो सर सिंगी त्रिया की है जो सौ सौ हाथियों का बल उठा करके एकदम ले जाती है, अच्छा दूसरी शर्त यह है कि गर्म तेल में बन्ना को स्नान कराएगा नरवर वाला तब अपने बन्ना की शादी करके ले जाए, कहा महाराज गर्म तेल में मोड़ा ना आवेगा तो मैं चुना मरेगा नहीं भजेगा नहीं, अबे अरे सत्यारी होगा तो इस गर्म तेल को भी बांध के और बन्ना को स्नान कराएगा, को बात ना हो जाए ना मैं क्या कर लो मरेगा तो मत जाओगे तो, कहिए क्या खबर लेकर गए मंत्री, खबर ये लेकर आया हूं कि उनका कहना यह है कि शादी ब्याह में होगी, पहले हमारी शर्त एक शर्त पूरी करोगे जब बेटी की शादी होगी, वो कौन सी शर्त है तुम्हारी, एक पहली शर्त है चुंगी चिड़िया, चुंगी चिड़िया हाँ चुंगी चिड़िया और गर्म तेल में बरना आएगा वही बेटी की शादी कराएगा, ठीक है बेटा किसना चाचा जी, देखिए राजा दुर्बा की यह शर्त है कि चुंगली चिड़िया शिकार करेगा, चुंगली चिड़िया शिकार करेगा तो मेरी बेटी और केशव देव की शादी करेगा, आपकी जो इच्छा हो मैं करने के लिए तैयार हूं, देखिए चुंगली चिड़िया को कौन मारेगा, मैं मारूंगा, जा बेटा चुंगली चिड़िया की शिकार करोगे उसके बाद उसकी दूसरी शर्त है कि बरनों को गर्भ तुर नहाया जाएगा तो फिर मैं अकल बताऊंगा और बेटा तू गर्म तेल में नहाएगा, ठीक है चाचा जी पर लेकिन कुछ ध्यान रखना मेरी तरफ, किस बात का, अभी मैं नादान हूं, चुंगल चिड़िया की शरत तुम्हारे ऊपर है, कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं, बेटा चिंता मत करना तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है, अरे चल रहा बेटा आज सुल्तान अरे सिंह को हाथ में गहले रे नगीन तलवार,
दावत में फील से जैसे सिर रे बनी कुर हो जाए चौदह साल को किसने लाल है सात बरस का ढोला राज रे तुम्हा जब आगे तू मेरा की सुनार बड़ गो संगई में जा रहा नारावर को सरदा दुधारा आज बाई चिड़िया से बाप देंगो आज नामुरी मिटाए ऐसी अब ऐसी बेटा जाए माती समझे चुंगेला चिड़िया पछड़ा पूरी रे बाला सौ सौ हाथिया का तो बालू रखे हाथ ने पंजा दे के तो उड़ी जा बेटा किस लग झा रखना अरे मैं हूँ बेटा सोने अंसी गलतो मैं हूँ कछवाई न कर लाल अरे मारी चिड़ैया आज संकल दीप में के सब देश लेंगो भाम रेंडा किशुलाल चाचा जी एक बात का ध्यान रखना कोई चिंता मत करो अगर चिड़िया तेरे हाथ नहीं आए तो तेरी मौसी मोतनी है अपनी मौसी मोतनी का स्मरण करेगा मौसी तेरी सहायता करेगी देख लूंगा उस समय के घर नहीं सोवे चाहे कुनवा होवे हजार अरे बिना चन्ना के रहन नहीं सोवे चैतारा घर खिलियो रे हजार मोचके छत्री नहीं सोवे चाहे कितने उबाने हथियार Thank you.
लारे अरे भगवान ये चिड़िया बहुत बुरी बला है और मन में सोचे किसन लाल अब करता कहां करूं रे भगवान पर याद आई गई तब किसना को चाचा ने गई अकली बताए हे भगवान इस चिड़िया से मेरा बस काम नहीं कर रहा है अब तो मुझे वही काम करना चाहिए जिस समय मैं युद्ध के लिए आया तो मेरे चाचा जी ने कहा कि बेटा तेरे बस से बाहर बात हो जाए तो अपनी मौसी मोतनी को मना लेना अरे कृष्णा घबराए के अरे पार तो पोषक बिरन मेरे बहन आलु परी गो यार बासे बोलिए देख लो ये क्या दिखाई दे रहा है आप चिंता मत करो पानी यहाँ नहीं दिखाई देता है घास यहाँ नहीं दिखाई देती है मिट्टी यहाँ नहीं दिखाई देती है आप घबरावती अरे अपार तो गोजक बिरनु जिया अते हैं नालु परिगो मेरे पगिया पलटा हो जाने दिया अरे निका ये कैसे निकलेगी मेरी भोज अरे चिंता मत करियो यार मेरे नारा बार बार यार तो को पार सोन दे मोरे कारवा अरे भैया मेरे बहन लुकारी दियो पार अरे जिंदा कुन प्यारो नहीं भूलू मेरे पगिया पलटा सुनिए बिरन पाताल पुरी के नलकी रखाए रे आजोला यार मेरे नरबर बारे ओ पर पलटा ते दल को कर दो तो पार अरे पीर ना भोजन दियो रे निकारी हम ब्याह करन गुजारे शंकर दीप को मेरे पगिया पलटा हीराया वासिक देव दोस्त देखिए तुम मेरे पगिया पलटा यार हो और यार के नाते में तुम्हारी सहायता करते आए हो और आज भी मेरी सहायता करो मैं अपने प्यारे भतीजे किशनलाल की शादी करने संकलदीप में जा रहा हूँ और ये बीच ही बीच में ये क्या हुआ है जो कि 12 कोस का दानव मेरे सामने आ गया आप चिंता मत करो किसी बात की मैं अभी अपने नागदेव को बुला रहा हूँ और तुम्हारी बरात को अभी पार करवा दूंगा ए नागदेव अरे कहिए क्या बात है आज तुमसे एक काम पड़ गया है अरे क्या काम है एक काम करो हाँ। ये मेरे दोस्त की बरात है रायनल की अपनी पीठ पे बिठा करके इनको पार करना होगा और एक काम करना क्या कहीं इनके साथ में धोखा मर कर देना अरे नहीं बिल्कुल नहीं खाना बती इनको अबे नहीं खाएंगे किसी को हम आरा वाला उसे उतारना इसको समझा लेना भाई साहब जिस फौज के सिपाही में फुसकार मार दी तो बच नहीं सकता किसी बात से क्यों के सब जहरीले जहरीले नाग हैं तुम मुझे जानते हैं पर आपके नाग मेरी फौजों को नहीं जानते अरे कोई नहीं खाएगा दोस्त घबराता क्यों है चलो भाई बैठो नागदेव आराम आराम से करना अच्छा बिल्कुल आराम अच्छी बात है धोखा मत करना मेरे दोस्त के साथ में अरे फुसकार मारा है ना थोड़ी सी फू माई साहब
सही है मेरे पगिया पलटा यार ने ये